प्रदेश के जनपद मैनपुरी के करैल थाना क्षेत्र के ग्राम नगला बांक में घने कोहरे का कहर, प्राइवेट बस और डीसीएम आपस में भिड़ंत। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 12 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों में से 7 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए शैंपई अस्पताल में भर्ती कराया। यह प्राइवेट बस कुसमरा से बारात लेकर गाजियाबाद जा रही थी। बस में कुल 80 यात्री सवार थे। मैनपुरी से देवेंद्र पाल की रिपोर्ट। चलते ही नहीं है तो चलते ही नहीं, उसमें धीरे चलो कम से कम। सवारी तो वे रखती है तो बेलबो में ही जाएंगे। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। क्या हुआ यहाँ पे, घटना बताइए। आमने सामने टक्कर हुई। किस किस में? डीसीएम और बस। अच्छा, तो बस में कितने लोग सवार थे? करीब 80 लोग। अच्छा, तो कितने लोगों की चोट आई है? लगभग 25 लोग। 25 लोगों की आई है। क्या कोई इंजर्ड भी हुआ है? घायल हुए हैं? 7-8 लोग ज्यादा इंजर्ड। 7-8 लोग ज्यादा इंजर्ड हुए। चलो भैया, खत्म करो, नहीं हटाओ। भैया कहाँ जा रही थी बारात? जी गाजियाबाद जा रहे थे। कहाँ से? क्या नाम है आपका? क्या हुआ, आप बस में सवार थी, क्या हुआ यहाँ पे? एक्सीडेंट हो गया। लोग क्या शादी करने जा रहे? हाँ, शादी करने जा रहे थे जी। तो कितने लोग बस में सवार थे? करीब 80 लोग। 80 लोग। अच्छा अच्छा, क्या कोई इंजर्ड भी हुआ है? इंजर्ड हुआ है? कितने लोग इंजर्ड हुए? चोट कितने को लगी है? कम से कम 25 लोग। 25 लोग। 7 लोग ज्यादा गंभीर है। 25 लोगों को चोट लगी है जी। हाँ, एक्सीडेंट हुआ है। क्या, कैसे एक्सीडेंट हुआ है और क्या इंजर्ड हुए? सूचना मिली थी, कंट्रोल से सूचना मिली थी, नगला बांध पे एक बस में, वॉल्वो बस में और एक डीसीएम में एक्सीडेंट हो गया है। नगला बांध के गांव वाले भी आ गए थे। 10-12 लोग घायल हैं, कुछ लोगों को सैफई और कुछ लोगों को मैनपुरी जिला अस्पताल प्राथमिक चिकित्सा के लिए भेजा गया है। एक आदमी की कैजुअलिटी हुई है, संभवतः वो कंडक्टर है, उसको भी जिला अस्पताल रवाना पड़ता है। यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू फोर्स आ गया है, काफ़ी काम लगा हुआ है, गाड़ी को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग कुछ चूँकि जानकारी हुई है, ये बस कुसुमरा से ये पार्टी गाजियाबाद जा रही थी। हमने प्राइवेट वाहन की व्यवस्था की।